हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉट फर्स्ट की मूवी को जो हाल ही में रिलीज हुई है। दोस्तों अब इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि न्यू रिलीज मूवी को आप सबसे पहले देख सके। तो आप बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें कैथी नाम की एक लेडी को दिखाते हुए होती है जो अपने घर में अकेले ही रहा करती थी क्योंकि उसका हस्बैंड कुछ टाइम पहले कैंसर की वजह से मारा जा चुका था। हम देख पाते हैं कि कैथी के घर को रिपेयर करने की जरूरत थी। खैर कैथी के हस्बैंड का खुद का एक कैफे था जिसको अब कैथी चलाया करती है। खैर जिसके बाद में कैथी तैयार होकर अपने कैफे की तरफ निकल पड़ती है। वहीं बाहर हम देख पाते हैं कि टाउन के सभी बच्चे अपने अपने स्नोमैन बना रहे होते हैं क्योंकि इस टाउन में हर क्रिसमस से पहले एक स्नोमैन बनाने की कंपटीशन हुआ करती थी। जिसके बाद हम कैथी को देख पाते हैं जिसके कैफे ओपन करते ही कस्टमर आने लग जाते हैं क्योंकि उस टाउन में कैथी के अलावा और कोई भी कैफे नहीं था जहां पर कैथी अपने कस्टमर के साथ में बहुत अच्छे से ही ट्रीट किया करती थी। जिसके बाद में कैथी सैंडविच लेकर मेल और थियो के पास में जाती है, उनका एक कपड़ों की शॉप हुआ करती है क्योंकि आज स्नोमैन बनाने की कॉम्पिटिशन के चक्कर में उन्होंने आज खाना ही नहीं खाया, इसलिए कैथी मेल और उसके बॉयफ्रेंड के लिए खाना लेके जाती है जिसके बदले में मेल थियो को लाल मफलर देती है और कहती है कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के दिन मैं लाल मफलर पहनकर बाहर गई थी तभी मेरा वहाँ पे टांका भिड़ गया जो है थियो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यह लाल मफलर रखो ताकि तुम्हारा भी कोई जीवन साथी मिल जाए। इसलिए अब मेल कहती है को लाल मफलर दे देती है। खैर कहती अपने कैफे की तरफ जा रही होती है तभी उसको एक स्नोमैन दिखाई देता है जो बिल्कुल इंसान जैसे दिख रहा था और उस पर कोई भी मफलर नहीं डाल रखा था, इसलिए कहती उस स्नोमैन पर अपना लाल मफलर डाल देती है और एक फोटो क्लिक करके वहां से चली जाती है। दोस्तों कहती वहां से जैसे जाती है जिसके कुछ टाइम बाद में वही स्नोमैन जिसको कैथी लाल मफलर दिया था वे देखते ही देखते जिंदा होने लग जाता है। ये देखकर वह स्नोमैन काफी खुश होता है। तभी उसको एक कपल आता हुआ दिखाई देता है जो अपने पपीट को बाहर घुमा रहे होते हैं। वे कपल जैसे ही उस स्नोमैन को नंगा देखते हैं वे डर जाते हैं जिसके बाद में वे उसको ढूंढने लग जाते हैं। यह देखकर वे आदमी काफी डर जाता है और थियो की शॉप में घुस जाता है कान तोड़कर और वहां से कपड़े और जूते चुरा लेता है। खैर अब अगले दिन कैथी अपने कैफे में जैसे ही आती है तभी उसको वही आदमी नजर आता है जो कल रात जिंदा हो गया था। वे देखती है कि वह आदमी स्नोमैन से बातें कर रहा था। ये देखकर उसको काफी अजीब लगता है, साथ ही साथ उसने गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। ये देखकर कैथी बिल्कुल ही सोख ले जाती है और उसको अपने कैफे के अंदर लेके आती है। अब जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है थियो और मेल की शॉप पर जहाँ पर कल रात कोई कांच तोड़कर अंदर आ गया था और कपड़े और जूते चुरा ले गया था, जिस पर वहाँ पर शेरिफ हंटर आते हैं तहकीकात करने। ये शेरिफ हंटर इतना खतरनाक होता है कि इसने एक बार तो थिएटर के अंदर एक लड़के को किडनैप कर लिया था क्योंकि वह लड़का बार बार कैंडी कवर खोल रहा था। वहीं कैफे के अंदर कैथी उस आदमी से नाम पूछती है, क्या तुम्हारा नाम जेक है क्योंकि तुम्हारे शर्ट पे लिखा हुआ है। इस पर जेक बोलता है कि यह नाम कितना प्यारा है। वो कहती है हाँ क्योंकि यही मेरा नाम है। यहाँ पर कैथी को लग रहा था कि शायद उसका दिमागी हालत खराब हो गया है, इसलिए कैथी उससे पूछती है कि तुम्हें लास्ट चीज क्या याद है। जिस पर वह बोलता है कि तुम कल रात तुमने मुझको मफलर दिया था, शायद उसी मफलर ने मुझको जिंदा कर दिया है। ये सुनने के बाद में कैथी बिल्कुल ही सोख ले जाती है और बोलती है कि नहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तभी जेक बोलता है कि मुझको यहाँ पर गर्मी से लग रही है, दम घुट रहा है मेरा। ये सुनने के बाद में कैथी उसको चेक करती है, शायद इसको फीवर तो ना हो गया हो। अब कैथी उसको जैसे चेक करती है वह बिल्कुल ही सोख रह जाते क्योंकि वह बिल्कुल ठंडा था और उसको पसीने भी आ रहे थे जो काफी अजीब बात थी। ये देखने के बाद में कैथी उसको अपने डॉक्टर के पास में ले जाती है जो उसकी फ्रेंड हुआ करती है। अब डॉक्टर उसको जैसे चेक करती है वह बिल्कुल ही हैरान रह जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर 13 डिग्री से भी नीचे आ रहा था और उसको पसीने भी आ रहे थे, जिस पर कैथी बोलती है कि शायद ये पिघल रहा होगा। वो पूछती है कैसे। इसके बाद में कैथी अपने फ्रेंड को वे सब कुछ बता देती है जो उसने कल रात किया था और जो जो जेक बोल रहा था, जिसको सुनने के बाद में डॉक्टर जेक को हॉस्पिटल में रुकने को बोलती है ताकि वे उसको ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन जेक नहीं मानता और कहता है कि मैं कैथी के साथ ही जाऊंगा क्योंकि उसने मुझको जिंदा किया है, जिस पर कैथी मान जाती है और जेक को अपने घर पे ले आती है और वहाँ पर टीवी देखने को बोलती है। वो जाने से पहले कहती है कि प्लीज तुम घर में चोरी मत करना। जिसके बाद में कैथी अपने कैफे
गुस्से में आ जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे शेरिफ हंटर भी आ जाते हैं जो कैथी से पूछताछ करते हैं और बोलते हैं कि कल रात एक आदमी टाउन में नंगा घूम रहा था और उसने मेल और थियो के स्टोर से कपड़े भी चुरा लिए थे। अगर यहाँ पर तुम्हें कोई भी अनजान आदमी दिखाई देता है तो मुझको जरूर बताना। वहीं जेक घर पे टीवी देख कर टाइम पास कर रहा था, कुकिंग की रेसिपी देख रहा था, जिसके बाद में कैथी अपने घर पर जैसे ही आती है उसको जेक कहीं पर भी नहीं मिलता। तभी जेक बेलन लेकर किचन से बाहर निकलता हुआ आता है, जिसको देख कर कैथी बिल्कुल ही शॉक रह जाती है। उसको लग रहा था कि वे उसको जान से मारने आ रहा है। खैर वे उससे माफी मांगता है। जेक कैथी से पूछता है कि इस बैग के अंदर तुम क्या लेके आए हो। तभी कैथी बोलती है कि तुम्हारे लिए कपड़े, मुझे नहीं पता तुम्हारा साइज क्या है। तभी जेक कपड़े ट्राई करने के लिए अपने कपड़े खोने लग जाता है, जिसको देख कर कैथी उसको रोक देती है और बोलती है कि कपड़े तुम अपने रूम में चेक करना, वो भी अकेले, ऐसे कपड़े ट्राई नहीं किया करते। जिसके बाद में कैथी जेक से पूछती है कि क्या कल रात तुम टाउन में नंगा घूम रहे थे और तुमने कपड़े भी चुराए थे। जिस पर जेक बोलता है हाँ। कैथी बोलती है कि तुम्हारे इन्हीं कारनामों की वजह से तुमको शेरिफ ढूंढ रहे हैं, तुमको उनसे छिपना होगा दोस्तों। तभी जेक वहाँ पे छिपने लग जाता है। ये देखकर कैथी बोलती है कि ऐसे नहीं तुमको छिपना, तुमको उनकी नजरों के सामने नहीं आना है। खैर अब कैथी फ्रेश होकर जैसे अपने किचन में आती है वे बिल्कुल ही सोख रह जाती है, क्योंकि जेक ने उसके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था, वो भी पिज्जा, जिसको देखकर कैथी काफी खुश हो जाती है। अब जिसके बाद में ये दोनों पिज्जा खाते हुए टीवी देख रहे होते हैं, जिसके अंदर एक बीच के बारे में बताया जा रहा था, जिसको देखकर जेक बोलता है कि चलो वहाँ पर चलते हैं। जिस पर कैथी बोलती है कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते, पैसे बहुत लगते हैं और वैसे भी तुम एक स्नोमैन हो, तुम्हें तो मेरा कैफी गर्म लगता है और वहाँ पर तुम कैसे रह सकते हो, वे जगह तो बहुत गर्म है क्रिसमस के टाइम पर भी, पर मुझको यकीन है तुम एक दिन वहाँ पर जरूर जाओगे क्योंकि तुम हो ही इतना होशियार। जिसको सुनकर जेक कैथी को थैंक्स बोलता है और उसके गले लग जाता है, जिसको देखकर कैथी बोलती है कि मुझको यह नहीं पसंद और पूछता है कि कल मैं क्या करूं। जिस पर कैथी बोलती है कि कल तुम जो मर्जी करना पर घर से बाहर मत जाना। अब जिसके बाद में जेक टीवी देखने लग जाता है, जिसके अंदर एक चैनल पर बताया जा रहा था कि छत की रिपेयरिंग कैसे करें। तभी जेक देखता है कि कैथी के घर की छत लीकेज कर रहा है और उससे पानी टपक रहा है। अब अगले दिन जेक घर की छत की रिपेयरिंग कर रहा होता है अपना शर्ट उतार कर, क्योंकि दोस्तों वे एक स्नोमैन है उसको सर्दी वैसे भी पसंद है। तभी वहां से जेक नाम की एक लेडी जा रही होती है, तभी उसकी नजर जेक पर जाती है, जिसको देखते ही वे फिदा हो जाती है, जिस कारण उसकी कार फंस जाती है। ये देखकर जेक स्टाइल मारता हुआ जेन के पास में आता है और पूछता है कि मैम आप ठीक तो हैं। जिस पर जेन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जेक बोलता है कि मैम आप बुरी तरह फंस चुकी है, क्या मैं आपके पीछे से धक्का लगा सकता हूँ। जिस पर जेन बोलती है कि बिल्कुल, और फीलिंग लेती हुई गाड़ी को स्टार्ट करती है और गाड़ी बाहर निकाल लेती है। के बाद में जेन पूछती है कि क्या तुम कैथी के दोस्त हो। जिस पर जेक बोलता है हाँ मैं उसका दोस्त हूँ। जेन बोलती है कि कैथी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, कैथी कितनी लकी है ना। और जेन कहती है कि मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई है, मुझको पता है तुम उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद में जेन जेक को अपने घर पे ले आती है, जहाँ पर जेन की और भी बुरी फ्रेंड आई हुई होती है, जहाँ पर जेक बड़ी आसानी से लाइट को ठीक कर देता है। के बाद में वो पूछता है कि और क्या मदद चाहिए। तभी वहाँ पर एक बुरी औरत बोलती है कि मेरा बेटा स्कूल का प्रिंसिपल है और क्रिसमस भी आने वाला है, मेंटेनेंस वालों ने काम छोड़ दिया है बीच में, जिस कारण मुझको तुम्हारी जरूरत है। जिस पर जेक बोलता है कि मैं आज नहीं कर सकता, मैं कल हेल्प कर दूंगा, मुझको आज कैथी की मदद करनी है, वैसे मुझको आप में से कौन कैफे छोड़ सकता है। जिस पर सभी लेडी तैयार हो जाती है। अब जैसे कैथी देखती है कि जेक बुढ़ी अम्मा के साथ में घूम रहा है, वे बिल्कुल ही सोख रह जाती है। अब कैफे के अंदर आते ही जेक पानी पीता है और आइस को अपने अंदर डाल लेता है। तभी कैथी बोलती है कि तुम इस टाउन में ऐसे नहीं घूम सकते, तुमको कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं, जिस पर जेक बोलता है कि क्या यह लोग, जिसको देखते ही कैथी सोख रह जाती है और जल्दी जल्दी से जेक को सब कुछ समझा देती है। तभी शेरिफ अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने जेक को पहली बार इस टाउन के अंदर देखा था और उसको कहीं ना कहीं जेक पर डाउट होने लग गया था कि यही चोरी उसने ही की थी और नंगा यही घूम रहा था। तभी जेक के लिए आइस आ जाती है, तो देखकर शेरिफ बोलता है कि आइस के साथ में कुछ और नहीं पियोगे जेक। जेक बोलता है कि मुझको बर्फ खाना काफी पसंद है। जिसके बाद में इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो जाती है बर्फ खाने की, लेकिन इसी बीच जेक पिघलने लग जाता है क्योंकि वे कैफे के अंदर था और कैफे गर्म था और उसको पसीने आने लग जाता है। ये देखकर कैथी जेक को बाहर ले आती है, जहाँ पर कैथी जेक को बाहर जाने से मना करती है। जिस पर जेक बोलता है कि लेकिन कल तो मुझे स्कूल में मेंटेनेंस वालों का काम करना है। जिस पर कैथी मना कर देती है। और अब घर आने के बाद में जेक सीधा अपने रूम के अंदर चला जाता है, जो काफी उदास था। कैथी जैसे अपने घर को देखती है वे बिल्कुल ही खुश हो जाती है और सोख रह जाती है, क्योंकि जेक ने लीकेज को ठीक कर दिया था और तो और उसने सीढ़ियों को भी सही कर दिया था जो पहले टूटा हुआ था। अब ये सभी देखने के बाद में कैथी जेक के पास में जाती है और उसको इस शर्त पर मान जाती है कि तुमको ड्रॉप मैं ही करूंगी और पिकअप मैं ही करूंगी। अब अगले दिन जेक स्कूल के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करवाता
जाता है, वो सभी के साथ में घुल मिल जाता है। इसी बीच जेक कैडी और मैथ्यू की फ्रेंडशिप भी करवा देता है। पुल के काम खत्म करने के बाद में शाम को कैथी लेने आती है। वे देखती है कि जेक यहाँ पर बहुत ही मदद कर रहा है, वो सभी के साथ में घुल मिल गया है। अब जाते हुए कैथी जेक से कहती है कि आई लव यू, जो तुम इन सभी की मदद कर रहे हो ये काम मुझको बहुत ही पसंद आया। तभी जेक की नजर मेल और थियो के शॉप पर जाती है, जहाँ पर एक न्यू कांच आ गया था जिसको जेक ने ही ऑर्डर किया था कंप्यूटर से, वो भी फ्री। अब यह बात जैसे ही कैथी को पता चलती है, जेक को बताती है कि ये फ्री में नहीं आया, मेरा क्रेडिट कार्ड कंप्यूटर के अंदर ही था। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको तुम्हारे काम के बदले काट लूंगी। अब जिसके बाद में जेक ग्लास को लगा ही रहा होता है, तभी कैथी के पास में शेरिफ आता है जो जेक की फोटो दिखाकर बोलता है कि जेक कहां पर है, उसको गिरफ्तार करना है। ये देखकर कैथी शेरिफ को अपने कैफे के अंदर ले जाती है और उसको सूप पीने को कहती है, जिस वजह से अगेन जेक बाल बाल बच जाता है। अब अगले दिन जेक पुल के अंदर बैलून फुला ही रहा होता है, तभी उसी रूम के अंदर मैथ्यू केडी को प्रपोज कर देता है और उसको आज डांस के लिए पूछता है, क्योंकि आज क्रिसमस पार्टी पर डांस होने वाला था। जिसके बाद में जेक घर पे आने के बाद में कैथी को राजी कर लेता है स्कूल के क्रिसमस पार्टी में डांस करने को। जिसके बाद में ये दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं, जो रास्ते में ये दोनों काफी मस्ती मजाक करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसी बीच दोस्तों कैथी को कहीं ना कहीं अब जेक से प्यार होने लग गया था। जिसके बाद में शाम को ये दोनों तैयार होकर क्रिसमस पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद में ये आपस में डांस करते हैं, जिसके साथ में कैडी और मैथ्यू भी करते हैं डांस। फिर अब जिसके बाद में बच्चों की पार्टी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जेक भी बच्चों के साथ में डांस करता है। लेकिन इसी बीच कैथी नोटिस करती है कि जेक को पसीना आ रहा है, तो देखकर कैथी जेक को बाहर लेके आ जाती है, जहाँ पर आने के बाद में जेक काफी रिलैक्स महसूस करता है और कहता है कि पता नहीं मैं ये कब तक जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खुश रहकर जीना चाहता हूँ। जिसके चलते कैथी जेक से फ्रेंडशिप कर लेती है। जिसके बाद में ये दोनों कैफे के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर पार्टी चल रही थी क्रिसमस पार्टी की। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाते हैं, क्योंकि उसको एटीएम मशीन पर लगे कैमरे से जेक की फोटो मिल गई थी और सबूत के साथ वह आता है और वह जेक को अपने साथ में ले जाता है। जिसके पीछे पीछे कैथी भी आ जाती है, जहाँ पर कैथी शेरिफ को सब कुछ बता देती है। वे एक स्नोमैन है, लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वैसे छोड़ने के बदले में 2000 मांगता है। जिसके बाद में कैथी कैफे के अंदर जाती है, उसके पास में जितने भी पैसे थे वे निकाल लेती है। लेकिन अब तक उसके साथ में पूरा टाउन भी आ चुका था, जहाँ पर कैथी के पास में पैसे कम पड़ रहे थे, जिस कारण सभी टाउन वाले मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और इसके अंदर शेरिफ का बेटा भी शामिल था। यह देखने के बाद में शेरिफ पिघल जाता है और जेक को छोड़ने का डिसाइड करता है फ्री मैम। लेकिन अब तक जेक पूरी तरह भीग चुका था, ऐसा लग रहा था कि वे मारा जा चुका हो। यह देखने के बाद में कैथी जेक के पास में आती है और अपने दिल की बात बताती हुई उसे किस करती है और अपना मफलर लेकर जाने लग जाती है। तभी पीछे से जेक आवाज लगाता है, जिसको सुनकर कैथी काफी खुश हो जाती है, जहाँ पर जेक बोलता है कि मुझको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, शायद मुझको ठंड लग रही है, यानी कि अब जेक इंसान बन चुका है। कैथी ने उसको किस किया था, जिस पर पूरा टाउन काफी खुश होता है। अब इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं दोस्तों, अब तक जेक और कैथी ने शादी कर ली थी और वे वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं, जो जेक को पसंद था। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।